हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जिसका आप अराउंड 1-1.5 साल से वेट कर रहे हैं। जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम यानी कि जेकेएसएसबी जिसको आप वीएलडब्ल्यू एग्जाम भी बोलते हैं, आज 7 नवम्बर 2023 को ऑफिशियली इस एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। जिस एग्जाम की तैयारी आप 1-1.5 साल से कर रहे थे, ये लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ था, आप सभी जानते हैं। आज फाइनली इसका एग्जाम अनाउंस हो चुका है और इसका एग्जाम डेट जो है, ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें डिस्कस करूंगा मैं, एग्जाम डेट और एग्जाम पैटर्न में भी चेंज आया है, कुछ चेंजेस आए हैं एग्जाम पैटर्न में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपका एग्जाम डेट है वो अब कंडक्ट किया जाएगा 10 दिसंबर 2023, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, राइट। और इसका एग्जाम चाहे अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बांदीपुरा, कहने का मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर जो भी आप स्टूडेंट्स कॉल करते हैं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 3 था, 3 ऑफ 2022, तो ये आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा, वेबसाइट पे आ चुका है, ऑफिशियल अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती है। तो ये बात होगी एग्जाम डेट की, आपका एग्जाम कंडक्ट होगा 10 दिसंबर 2023 को। अब इसमें एक मेजर चेंज ये देखने को मिला है, जस्ट सेकंड, एग्जैक्ट डेट्स एडमिट कार्ड्स वगैरह पे जो भी आपका एग्जैक्ट टाइम एंड ऑल रहेगा वो एडमिट कार्ड्स के ऊपर आएगा। पेपर की डेट क्लियर हो चुकी है 10 दिसंबर 2023। अब इसमें एक मेजर चेंज देखने को मिला है, अब वो मेजर चेंज क्या है अब वो देखते हैं। इस एग्जाम में एक मेजर चेंज आया है, जो आपका टोटल मार्क्स थी इस पूरे एग्जाम की, आपको पहले पता होगा कि 100 मार्क्स का पेपर था और ये 2 घंटे ड्यूरेशन थी, जिसमें आपकी सेक्शंस के अलग अलग नंबर थे। मैथ 15 नंबर का था, कंप्यूटर 25 मार्क्स का था, बाकी सेक्शन 20-20 नंबर की थी, तो टोटल 100 नंबर का पेपर था। अब ये 100 नंबर की जगह 120 मार्क्स का पेपर हो चुका है, यानी कि अब आपका 100 मार्क्स का पेपर नहीं होगा, 120 मार्क्स का होगा। अब कौन से सब्जेक्ट में वेटेज बढ़ाई गई है, अब मैं ये 20 नंबर कहां से बढ़े हैं अब वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग, जो कि पहले आई थिंक 20-20-20 मार्क्स की थी, अब ये सेक्शंस हो चुकी हैं 24-24-24 मार्क्स की, यानी 12 नंबर यहां से बढ़ गए। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन जो आपकी मेजर स्कोरिंग सेक्शन थी, वो थी पहले 25 मार्क्स की, अब आपकी ये बन चुकी है 30 मार्क्स की, तो 12 नंबर आपके इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस सेक्शन से बढ़ गए, 5 नंबर आपके बढ़ गए कंप्यूटर से, और जो मैथ था आपका 15 मार्क्स का वो हो चुका है 18 मार्क्स का। तो सारे सब्जेक्ट्स की वेटेज बढ़ गई है, तो 20 नंबर अब आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो चुके हैं, तो टोटल पेपर अब आपका बन गया है 120 मार्क्स का और ड्यूरेशन भी इसकी है 120 मिनट्स 2 घंटे की। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन में डेली क्विजेज टेस्ट सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो साथियों, अब 1 महीना जो आपके पास इसका एग्जाम का टाइम है, इसको प्रॉपर जुडिशली यूज करें, इस एग्जाम में आप अच्छे से क्वालिफाई करें। अगर आपका पिछला जेई के पेपर में नाम नहीं आया, सब इंस्पेक्टर के पेपर में नाम नहीं आया, तो अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग है, उसमें से ये बहुत ही बड़ा एग्जाम है जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का कंडक्ट किया जाएगा। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी है आपकी तैयारी, और 1 मंथ में अब अपना जो भी है ब्रशअप करिए, जितना भी आपने पढ़ा है रिवाइज करिए। कोई भी आपको क्वेरी है, करियर सक्सेस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी विद इन 1 or 2 डेज, कमेंट सेक्शन में मैं ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, किसी को भी टेस्ट सीरीज परचेज करना है वहां से परचेज कर सकते हैं। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट, डिमोरलाइज ना हो कि एक पेपर नहीं हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, तो एक ना एक एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। अगर आप सीरियस हैं, प्रायोरिटी है आपकी गवर्नमेंट जॉब लेना और मेहनत आप कर रहे हैं रेगुलरली, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में एक बार किताब खोली फिर आप बाद में बोले मेरा पेपर नहीं पास हुआ, ऐसा नहीं होता। अगर आपने रेगुलरली प्रैक्टिस की है, पेपर पहले भी होना था बट डिले हो गया किसी भी कारणों से, लेकिन आपको अल्टीमेट गोल ये है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, अभी भी टाइम है, अच्छे से मेहनत करिए, यू कैन श्योरली क्रैक द एग्जाम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।